अस्सलामुअलैकुम गाइस, फाइनली आई एम बैक विद आदम मेरा। आप लोगों को जैसा कि पता है कि रमजान आ चुका है हम लोग का, और आज पहला रोजा है और अभी जोहर का टाइम हो रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद। और आमीन भी यहाँ पे साथ है, देख सकते हैं। अंशुल भाई भी मेरा साथ ही सो रहा है, देखिए हंस रहा है। तो ठीक है गाइस, मस्जिद के लिए निकलते हैं अभी। फाइनली गाइस मस्जिद आ चुके हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मस्जिद, लोदीपुर की जामा मस्जिद, पता ही होगा आप लोग को। तो ठीक है गाइस, नमाज के बाद मिलते हैं। ठीक है, तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जोहर का नमाज पढ़ के आ चुके हैं घर पे। धूप बहुत ज़्यादा था यार, इसी वजह से यार बाहर ना रुका गया, इसीलिए जल्दी से इन लोग देखे तो मस्जिद खाली कर रही। कुछ ना बोला भाई, माहौल दूसरा बनना हुआ मेरा, अभी हम कुछ ना बोल सकते। अभी यहाँ खाली मेटर पे मेटर रहा है कि ना, लफड़े पे लफड़ा चल रहा है, कुछ ना बोल सकता। तो देख सकते हैं गाइस, अभी कैमरा हटाने के तो बोल दिया गया है, लेकिन अभी तो यार थोड़ा सा सोएंगे। अभी हम लोग नींद पुराएंगे, असर का अजान पड़ेगा तब जाएंगे मस्जिद, उसके बाद हो सके तो कहीं घूमने फिरने जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, हाँ सही बात है, जाएंगे इंशाल्लाह जाएंगे। हाँ हाँ, तो इफ्तारी करके जाओ जी। हाँ एकदम जाएंगे, हाँ 11-12 बजे रात में चलेंगे। यहाँ तो खाने बंद मोहल्ले का पोल खोला जा रहा है, मोहल्ले का तो पूरा हिस्ट्री खोल के रहता है अभी। ऐसा अगर माहौल बनेगा, क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप। तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम लोग असर के नमाज के टाइम। अभी थोड़ा सा हम लोग सोएंगे, रेस्ट करेंगे, थोड़ा सिस्टम अभी हैंग हो गया हम लोग का, ठीक है ना। असरफ अली है, छोड़ो उसको। फाइनली गाइस हम लोग उठ चुके हैं भाई, असर की अजान भी हो चुकी है और सब सुहा हुआ था, तो भाई उठ गया। आमीन सुहा हुआ, अभी देख सकते हैं आप लोग। तो ये गाइस अभी निकलते हैं मस्जिद के लिए, असर की नमाज का टाइम हो गया है, अजान भी हो गया, तो 15 मिनट में जमात खड़ी हो जाती है। चलो भैया, नेता 1100 पता विलायत में लेके देता पड़ा कि फिर ये गिर पड़ना देती है उन लोगों को जान के इनका। हां चलते हैं गाइस हम मस्जिद में चलते हैं। हां फाइनली गाइस हम लोग असर की नमाज पढ़ के आ चुके हैं मस्जिद के घर, और अभी सोच रहे कि कहीं जाए घूमने फिरने के लिए। फैजल बोल रहा है कि अभी थोड़ा सा माहौल पहले ठंडा हो गए थे, अब फैजल कौन सी का माहौल ठंडा हो गया बोल रहा है। गाड़ी शायद यहीं पे है, इधर तो जाएँगे शायद, मिलते हैं गाइस ठीक है ना गाड़ी पे। रोजे रमजान के दिन में भी कैसा कैसा बात रहता है भाई, मतलब बनाता। तो फाइनली गाइस अभी आ चुके हैं मैदान। अभी जैसा कि देख रहे हैं भाई, मैदान का माहौल एकदम, पहले रमज़ान का दिन है और फल तल पूरा एकदम बिक रहा है, नान उन भी है, जिसको लेना होगा मैदान में आ जाएगा। क्या फिलहाल प्रमोशन कर दे रहे हैं। अंशुल भाई ले लिए ठीक, मेरा घास जो पूरा एकदम सूख गया है इस टाइम में, मतलब थोड़ा सा अभी ये वाला माहौल है। नमाज पढ़े को आते नहीं साला गया आदमी, बाबा आदमी झड़ गया तो घास काट गया, आदमी का छुट्टी गिरा घास काट हो रहा ना वीडियो। दौचा कुछ उसको आप एडवाइस दिए ऑन कैमरा या हाल हो रहा, आपका ईद कैसे होगा तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं मैदान से घर, और थोड़ा इफ्तार का टाइम जब नज़दीक हो रहा है। ठीक है गाइस, हम मिलते हैं थोड़ा इफ्तार के बाद, ठीक है ना। और इफ्तार के बाद जाएंगे घूमने फिरने के लिए, ये बात तो है कंफर्म। अभी मैं कहीं थोड़ा वजह था इसी वजह से। ठीक है, मेरी मौला तू ही मेरी मौला, अल्लाह तू ही मेरी मौला, मेरी गाइस हम लोग इफ्तार तो कर ही लिए थे, उसके बाद फिर चले गए थे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अभी आ गए हैं घर, मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम और ऑफिस में बैठे हुए हैं, देखते हैं। मन ही नहीं लग रहा यार, समझे में ना आ रहा है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, बोर हो रहे हैं भाई। ब्लॉग व्लॉग में भी क्या बोले तू समझे में ना आ रहा था भैया, ऐसे करें मोबाइल लेके बैठे हुए सोच रहे हैं कि भाई क्या बोले क्या बोले। अभी तो फिलहाल देख सकते हैं आप लोग चाय पी रहे हैं, अच्छा लगता है। बाहर में तो नहीं पी सक रहे हैं अभी, इसीलिए घर में पी रहे हैं बना के। उससे मेरा क्या फ़ायदा हुआ। अभी थोड़ी देर में शायद, थोड़ी देर ये एक घंटा में शायद अयान पड़ जाएगा ना। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 घंटे के अंदर। हाँ 1 घंटे के अंदर में शायद अयान पड़ जाएगा, तो फिर चल जाएंगे तरावी पढ़ने के लिए। फिर आएंगे तो भाई खाना वाना खा के फिर लेट ही जाएंगे सोने के लिए। फिर शायद ब्लॉग एडिट कर देंगे, अपलोड सुबह में कर देंगे। क्या होगा, सुबह में कर देंगे, रात में अपलोड कर देंगे, रात में कर देंगे भाई अपलोड। ऐसे प्लान तो बनाए हैं घूमने फिरने का ईद के बाद हम लोग, क्या पैटर्न अभी, लेकिन जाएंगे ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन हाँ जाना है। अब ब्लॉग अच्छा अच्छा आएगा भाई तब। अरे भाई वो तो एक लफड़ा हो गया ना, इसी वजह से हम लोग का थोड़ा सिस्टम हो गया था भाई। मतलब तो अभी एक से एक जगह जाता घूमने फिरने के लिए भाई हम लोग। झालर में ये बोलना चाहिए भाई। आई तो आ चुके हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोग मस्जिद। तरावी भी होगा यहाँ जो होता है रमज़ान में। चप्पल यहाँ पे पहले खोल लेते हैं हम लोग। तू ही मेरी मौला तू ही मेरी मौला अल्लाह, तू ही मेरी मौला मेरी मौला।